जब तक ऐसे दिखा दे खोल के टाइम पास कर दे फिर रेट और वो सब भैया बता दे क्या वैरायटी चाहिए जीन्स टी शर्ट शर्ट जो चाहिए वो दिखा दे सर आपको सब भैया बिठा दे आ जाओ भैया अरे इतना आ जाओ भैया आप समझ जाओगे भैया अच्छे से ठीक है आ जाओ वहाँ लगा दी सर फ्रेंचाइजी क्या होता है हम 5 लाख का लेते हैं हिंदी वस्तु नहीं कदा भैया बोले आपका बजट 5 लाख का नहीं है 3 लाख तक है 3 लाख का है 3 लाख में सेटिंग बिठा देंगे थोड़ा क्वांटिटी कम कर देंगे वैरायटी थोड़ा कम कर देंगे बड़ा साइज जो रहता है 3-4 का XL वो नहीं डालेंगे आपको MLXL XXL डाल देंगे चलता ना XXL आपके पास चलता नहीं चलता तो अपन इसको रेशो कम कर देंगे 50% रेशो कम ठीक है ना समझ गया ये एक 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 ये आधा ये दो 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 ये एक समझ गया ऐसा कर देंगे ठीक है रेशो अपन ऐसा कर देंगे ओके अब आपको क्या है समझिए अपन 3 लाख का जो माल भरेंगे वो फुल वैरायटी भर देंगे फुल वैरायटी ठीक है आपको ये रेट से माल बेचना पड़ेगा हमारे रेट से ये रेट से माल बेचना पड़ेगा आपको आप ज़्यादा रेट नहीं लगाना आप ज़्यादा रेट नहीं लगाना बड़ी साइज है छोटी साइज है सर बड़ी 3-4 by 395 में आएगा अपना सेलिंग 600 रुपये छोटा साइज 300 रुपये में अभी जैसे 300 रुपये में आपको 3 पीस शर्ट या 2 पीस ट्रैक यानी एक आइटम 3 पीस टी शर्ट आप दोगे अभी आपको ये जो 300 में 3 है ना टी शर्ट आएगा आपको 80 रुपये में और ट्रैक आएगा आपको 125 समझिए ऐसा अब आपको जो मार्जिन है मार्जिन प्रॉफिट प्रॉफिट आपको 20% से लेके 60% प्रॉफिट आएगा एवरेज हो जाएगा 30-35% एवरेज थैंक यू अभी हम आपको फुल वैरायटी भर देंगे अब इसमें जो नॉन मूवेबल आइटम है नॉन मूवेबल बोले तो जो नहीं बिकता अब समझो मैं आपको टी शर्ट में 10 डिज़ाइन दिया शर्ट में आपको 10 डिज़ाइन दिया जीन्स में आपको 5 डिज़ाइन दिया अब समझो इसमें 8 डिज़ाइन आपका मूविंग है 2 डिज़ाइन मूविंग नहीं है तो वो मैं आपको एक्सचेंज करके दूँ नॉन मूवेबल पर सेट वाइज रहना हाँ समझो 10 पीस है 2 पीस बिका 8 पड़ा है 30-45 डेज में अपन देखेंगे जो नहीं चल रहा वो आपको चेंज करके देंगे ठीक है और नेक्स्ट जो आपका परचेस होएगा नेक्स्ट आपका परचेस कराइए आपको टी शर्ट योर चॉइस आपको जो होना मतलब समझो आपको जीन्स होना 1000 का 3 वाला जीन्स होना ठीक है अब आप बोलते हो भाई इसमें हमारे को 50 पीस होना अब 50 पीस में आपको 10 पीस 28 साइज होना 5 पीस 30 होना 7 पीस आपको 32 होना 15 पीस आपको 34 होना तो मैं ये रेशो से आपको मालूम
शर्ट में आपको एम में ज़्यादा होना, एल में कम होना, डबल एक्सएल में और ज़्यादा होना, तो वैसा तो तुम्हारा चॉइस। कट साइज आपको डिलीवरी होगी, सप्लाई होगी, भाई लेने का जरूरत नहीं है। हाँ, अभी जैसे फॉर्मल ट्राउज़र है, फॉर्मल ट्राउज़र चलता है, पैंट तुम्हारे पास जैसे भैया ने पहना हुआ है ना, हाँ, तो अब समझो ये अपने पास है 30 से 40। अब आप बोलते हो मेरे को 30 में 10 पीस होना और फिर 32 नहीं होना, 34 में मेरे को 5 पीस होना, 34 में 5 पीस होना, 36 में मेरे को 20 पीस होना, तो आपको ऐसा दूंगा, 32 नहीं दूंगा, समझिए। तो ये है फ्रेंचाइजी। अब जैसे तुम माल खरीद के गए, तुम्हारा माल नहीं बिका, कोई माल अटक गया, तो वो तुम्हारा है, उसमें क्या 20% बैड डेट है, वो नुकसान है, डेड हो जाता है। कितना बड़ा तुरंत खान रहने दो, रेडीमेड में 20% डेड स्टॉक होता ही होता है। तो एक तो 20% तुम्हारे को वो फ़ायदा हो गया, 30-35% फ़ायदा मैं दूंगा आपको। अब जैसे आप 3 लाख रुपए देंगे ना, तो MRP के हिसाब से आपको मैं 4 लाख का माल दूँ, 4 लाख, हाँ, MRP बेचने के MRP के हिसाब से 4 लाख का माल दूँ, 1 लाख का एक्स्ट्रा है। अब समझो आपकी 10 डेज में, 10 दिन में, समझो फर्स्ट एक से लेके फर्स्ट टू 10 डेज आपका 1 लाख रुपया सेल हुआ। एक एग्जांपल, आप 20,000 अपने पास रख लेना, 20,000 अपने पास रख के 80,000 का मेरे पास से परचेज करना, तो मैं आपको 80,000 आप लाएंगे ना, 1,10,000 का माल दूंगा, 30,000 का ज़्यादा जो आपका प्रॉफिट आएंगे। और फिर 1 महीने बाद देखेंगे आप बोलोगे मैं आपका वहाँ आऊँगा, आपका माल आपका देख के जाऊँगा, सब करके जाऊँगा, ऐसा कार्ड छपा देना आप। हाँ, 2 घंटा यहाँ से, 2-3 घंटा, दो तीन घंटा यहाँ से, 3 घंटा कार्ड ड्राइव पे आपको 2-3 घंटा है ये, ऐसे आप कंप्लीट छाप देना, ऐसे देखो बोर्ड बने हुए पूरे, ऐसा बोर्ड बना देना। अभी सबकी दुकान में ग्राहक नहीं है, अपना दुकान में भगवान का दया है, बहुत ग्राहक है। आपको शर्ट 600 रुपये में 3 का माल जो है वो ख़त्म हो गया, अभी दशहरे ये पैक हो गया, 600 पीस एक ही जना ले लिया, ये ख़त्म हो गया। अब अपने पास 900 से 3 शर्ट है, 900, 1000 में 3 शर्ट है, 1200 में 3 शर्ट है, ठीक है, टी शर्ट जो है 500 को 2, 600 को 3, 900 को 3, 1000 को 3, 1200 को 3, टी शर्ट का रेंज है 500 रुपये 2 पीस से स्टार्ट है, 600 का 3 मतलब 200 रुपये को हुआ, 500 का 2 मतलब 250 हुआ, 200, 250, 300, 330 रुपये, 400 पूरा रेंज आ जाएगा। जीन्स जो है अपने पास 900 में 3 वाला अभी ख़त्म हो गया, दशहरे में बिक गया पूरा, ये 1 वीक में आ जाता, 1 वीक में आ जाता, अभी नहीं है, 1 वीक में आ जाता। उसके बाद 1000 का 3 है, 1200 का 3 है, 1500 का 3 है, आपको जो होना मिल जाएगा। वो तो सेंटेंस जो मंगाते हैं ना बनाने के लिए, कुछ डिपॉजिट पर रहना पड़ता था फ्रेंचाइज के लिए, कुछ डिपॉजिट है ना ऐसे? पूरा टोटल कैश है, डिपॉजिट का चक्कर ही नहीं है। 3 लाख लगेंगे फ्रेंचाइजी पर, 3 लाख पूरे देने तो माल आएगा।